नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल चॉप्स वाले भैया में, और मैं शिवम ठाकुर। फ्रेंड्स, बात करेंगे अभी जिस बहाली के बारे में, वो है ऋषिकेश में एम्स में निकाली गई भर्ती लगभग 800 पदों के लिए। ठीक है, ओवरव्यू ले लेते हैं पहले, उसके बाद वीडियो में बने रहिएगा। जो भी हमारी बातों को समझते हैं कि मैं गलत कुछ नहीं बताता हूँ, तो वो पूरी वीडियो देखते हैं। बाकी लोगों से भी अपील है, देखा करिए, कभी ना कभी आपका किसी भी तरह से फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे सौरभ मौर्य जी की तरफ से मैसेज आया कमेंट में कि भैया आपने ऐसे बताया था और मेरी नौकरी लग गई है, तो बहुत ही बहुत बधाई हो उनको। और मैं सभी लोगों से ये बताऊँगा फ्रेंड्स कि देखिए, बहुत सारे मतलब जो भी कुछ भी गलत भी काम कर रहा है यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, तो आखिरकार उनका फाइनल मोटिव है फ्रेंड्स पैसा कमाना। अब कुछ लोग बहक जाते हैं, कुछ से कुछ बताने लगते हैं, तो अब क्या क्या किया जा सकता है, कुछ तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन आप लोग को सावधान मैं करते आ रहा हूँ, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिले। मैं क्यों कहता हूँ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि देखिए, कोई वीडियो पे कोई लाइक करता है डिसलाइक करता है तो उससे किसी यूट्यूबर को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उसको वो संतुष्टि मिलती है कि भैया कि हमारा वीडियो देख के इतने लोगों ने डिसलाइक किया और इतने लोगों ने लाइक किया। तो लाइक ज़्यादा रहता है तो वो और अच्छे से उसको प्रेजेंट करना चाहता है कि भाई अब हम इसको और अच्छे से बताएंगे ताकि लोग को और अच्छा लगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि देखिए, जो भी सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो उतने लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा एक साथ। जैसे कि मैंने वीडियो पब्लिश किया तो उससे होगा कि फ्रेंड्स थोड़ा सा ज़्यादा व्यूज़ हल्का बढ़ने का चांस रहता है, क्योंकि अगर सब पे नोटिफिकेशन जाएगा तो ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करके देखेंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि वीडियो चल रही है, वो और लोगों को भेजता है। लेकिन जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कभी कभी, तो यूट्यूब पे भी मैं टिप्स वगैरह दिया करता हूँ आप लोगों को। और ऐसा नहीं कि दूसरे चैनल के जैसा कुछ से कुछ बोल रहे हैं भैया व्यू बढ़ाने के लिए कि लाख कमा लो, ये कमा लो, इतना ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ा लो एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में, ऐसा कुछ नहीं। जो जेन्युइनिटी है वो हमारे चैनल पर बरकरार रहेगा, तो बने रहिएगा। अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और अभी भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए लगभग 60% लोग हैं जो फ्रेंड्स हमारे चैनल को देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको एनालिटिक्स जो यूट्यूब है उसमें बताया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। सबसे पहले एक घटना घट रही है मेरे साथ लगातार, कि जैसे कि मैंने अपना ईमेल आईडी आप लोग को दिया हुआ है कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी बहाली में तो आप लोग सीधा हमें मेल कर सकते हैं और मेल करके जान सकते हैं कि ये बहाली गलत है सही है, इसके लिए दिया है मैंने। और या फिर कोई नोटिफिकेशन आपके पास है तो उसको सीधा सेंड करिए और पता कर सकते हैं हमारे थ्रू कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या है ये गलत है या सही है। ठीक है, अब लोग क्या कर रहे हैं, ये दूसरा यूट्यूब कोई चैनल पे कोई वीडियो बनाया हुआ है और उसको सीधा मेल कर रहे हैं भैया लिंक इसको देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि बहाली है, हम लोग अप्लाई करें कि नहीं। और मैं क्या करता हूँ सीधा, अगर गलत है तो लिख के भेज देता हूँ कि फेक है। अब उस पर वो लोग जवाब करने लग जाते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि फेक है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है उस बंदे का और आप उसको गलत साबित कर रहे हैं। तो देखिए, इसका तो कोई जवाब हम दे नहीं सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपका सब्सक्राइबर 41,000 है, उसका 10 लाख है, तो आप उसको गलत तो हो ही नहीं सकता है, और आप सही मतलब कैसे आपको मान लें वो गलत नहीं हो सकता है। तो हम आपसे लड़ने तो नहीं आएंगे भैया, कि हम तो आपको यूट्यूब पे ही बता सकते हैं या फिर आपको मेल के थ्रू। और मेरा जो फ्रेंड्स आपको जेन्युइनिटी है कंटेंट, आपको पता होगा कि कभी भी कुछ गलत नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंड्स अभी जो वैकेंसी है चलते हैं उस ओर, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा और आप लोग बोर होने लगेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बताते हैं वीडियो के बारे में, वैकेंसी के बारे में। उससे पहले फिर से एक अपील है कि लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि हम और अच्छे से आपको सारी जानकारी समय पर देते रहें। ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि ऋषिकेश में निकाली गई है बहाली, और टेंथ क्लास पे भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, 8th क्लास पे भी है, वार्ड बॉय का है, हॉस्पिटल असिस्टेंट अटेंडेंट का है, +2 पे। देखिए इंटरमीडिएट पर फ्रेंड्स डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, 10th पास पे जो के हैं तो हॉस्पिटल अटेंडेंट का है, अस्पताल सहायक का, 8th क्लास पे सफाई कर्मियों का है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम का कोर्स किया है तो उन लोगों के लिए भी है, एमबीबीएस वालों के लिए भी है। लेकिन 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 बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे तो आपको सीधा बोल रहे होंगे कि भैया जाइए वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, यही तो सुनने को आ रहा होगा ना। लेकिन हकीकत क्या है फ्रेंड्स, ऋषिकेश है एक उत्तराखंड में, ये हॉस्पिटल है एम्स का, भले ही भारत सरकार की हो ये बहाली हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो अभी 3 महीने का बताया जा रहा है। और ये मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि ये गारंटी नहीं है कि आपको 3 ही महीने रखा जाएगा, वो एक्सटेंड हो जाता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे काम एक्सटेंड होने के। लेकिन अप्लाई किनको करना है, वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई नॉर्म्स ऑफ उत्तराखंड का जो रूल है उसके अनुसार आपको करना है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का। कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो सावधान। आपको अभी वीडियो में ले चलते हैं, दिखाते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सीधा आ जाना है अपने, यानी कि आपका जो आप लोगों के लिए मैंने वेबसाइट तैयार किया है जॉब्स वाले भैया .com पे, यहाँ पे सीधा आ जाएंगे और उसके बाद
सीधा इसमें नीचे आइएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग को ट्रेंडिंग के कॉलम में यहाँ पे एम्स ऋषिकेश या फिर लेटेस्ट जॉब में मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा जो पोस्ट है ये सामने आएगा, और इसमें पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये नेक्स्ट पेज में पीडीएफ का यहाँ पे लिंक आ जाएगा, यहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और अगर आप चाहते हैं ओवरव्यू लेना तो हमने ओवरव्यू सारी यहाँ पर जानकारी दे रखी है, ऐसे भी आप लोग वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, डाउनलोड करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी है इसमें लिंक। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए 100 पद है, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 100 पद है, यानी कि हाउसकीपिंग स्टाफ 8th पास के पे 100 पद है, हॉस्पिटल अटेंडेंट जो मैट्रिकुलेशन की उनके लिए 100 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो 12th पास है कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं उनके लिए 20 पद है, फार्मासिस्ट यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी जिन्होंने किया है उनके लिए 15 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 40 पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर बीएससी नर्सिंग या फिर जिन्होंने जीएनएम का कोर्स किया उनके लिए 300 पद है, एमबीबीएस वालों के लिए यहाँ पे 200 पद अलग से है, लगभग 800 पदों के आसपास यहाँ पे बाली है, 2, 3, 5, 1, 6, 1, 7 हाँ लगभग 800 के पद के आसपास है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि वॉक इन इंटरव्यू है और आपका जो डेट है वो 10 मई से लेके 31 मई तक आप लोग 11 बजे से 2 बजे के बीच में जा सकते हैं, लेकिन अब देखिए ये चीज़ कोई कभी नहीं बताया होगा आपको, ठीक है। अब कोई यहाँ पे ये नहीं बता रहा होगा आपको कभी भी कि जो उत्तराखंड का जो रूल है वो क्या है। रूल ये है कि फ्रेंड्स उत्तराखंड के जो स्टूडेंट होते हैं ना वो वहाँ पे कोई भी वैकेंसी निकलती है तो गवर्नमेंट क्या कर रखी है वहाँ की उन लोगों के लिए ही रिज़र्व कर दिया है कि केवल यहीं के छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अभी इस कंडीशन में क्या होगा, अभी तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने देख लिया और सीधा आप सोच रहे होंगे कि कैसे भी करके हम चले जाते हैं। बाय द वे दूसरे स्टेट के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड वाले तो ज़रूर जाएँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, एम्स में आप लोग को जुड़ने का मौका है तो छोड़िएगा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉस्पिटल है और वहाँ पे काम करेंगे, हो सकता है एक्सटेंशन मिल जाए आप लोगों को। सारी जानकारी वेबसाइट पे है, वेबसाइट पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया गया हुआ है, तो आप लोग जाइए वहाँ पर जो जैसे कि जो भी शेड्यूल है वो 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में है, आप लोग को जाना है और सीधा हॉस्पिटल में जाना है, एम्स में ही जाना है आप लोगों को, एम्स ऋषिकेश में जाना है, ठीक है। पदों की जैसे बात जो भी था वो आपको मैंने दिखा दिया है, 8th क्लास में भी जा सकते हैं, 10th वाले भी, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले भी जा सकते हैं, बीएससी जिन्होंने किया है नर्सिंग में या फिर जीएनएम किया हुआ है वो लोग भी जा सकते हैं, तो इतने लोगों तो जा सकते हैं। लेकिन अब देखिए जो अदर स्टेट वाले हैं अगर वो चले जाते तो क्या होता, वो जाते यहाँ से अपना समय पैसा सारी चीज़ें बर्बाद कर लेते, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स और सैलरी एज़ पर नॉर्म्स ऑफ द फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, सैलरी एज पर नॉर्म्स टू बी पेड द फंड्स टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो इसमें स्पष्ट एक लाइन और है कि ड्यूरेशन अपॉइंटमेंट लाइकली टू बी 100 डेज, एक्सटेंशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि जो भी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट की हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के ही अनुसार यहाँ पे आप लोगों को इसमें पैसा भी मिलेगा, अगर आपका एक्सटेंशन होता है तब वहीं के रूल के अनुसार मिलेगा। तो जो आसपास के स्टूडेंट हैं जैसे कि यूपी बॉर्डर वाले जो लोग हैं वो जाइए, जो दूर वाले हैं बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स प्रिफ्रेंस तो उन्हीं को मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है 100%। और दूसरी चीज़ कि अगर आप जाते हैं, अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का रूल यहाँ पे लागू है, तो उस कंडीशन में तो आपको बैरंग वापस आना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, आपका पैसा और समय बर्बाद हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन में आपको कितना पैसे की आवश्यकता है ज़रूरत है वो सब कोई जानता है। तो फ्रेंड्स यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती होगी तो जरूर लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए, इंतजार करिए हमारे किसी नए वीडियो का किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शिवम ठाकुर का धन्यवाद।